हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं बर्थडे केक। तो इसे हमने प्रीमिक्स से बनाया है, बहुत ही इजीली और सिंपल तरीके से, और टेस्ट में ये चॉकलेट फ्लेवर में है, बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया है केक टीन, और इसमें हम ऑयल या बटर से इस तरह से ग्रीस कर देंगे। उसके बाद में हम ले लेंगे एक बटर पेपर और इसे इस तरह से रख देंगे, और इसके ऊपर से भी हम ग्रीस कर देंगे। आप चाहे तो इसे मैदे से भी डस्ट कर सकते हैं। और अब हम ले लेंगे एक बाउल, और यहाँ पे मैंने ले लिया है प्रीमिक्स पाउडर चॉकलेट फ्लेवर। तो ये 2 कप प्रीमिक्स मैंने ले लिया है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल, कोई सा भी खाने वाला ऑयल आप ले सकते हैं। और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, और इसका हम एक बिना लम्ब्स वाला बैटर रेडी कर लेंगे। तो इसे हमें एक ही डायरेक्शन में इस तरह से घुमाते रहना है, और थोड़ा थोड़ा पानी हम ऐड करते जाएंगे। तो ये थोड़ी ही देर में रिबन कंसिस्टेंसी वाला बैटर बन के हमारा रेडी हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही होनी चाहिए, ना इससे ज़्यादा गाढ़ी और ना ही ज़्यादा पतली। तो इसे हम केक टिन ले लेंगे, और इसे इसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे। इस तरह से हम सारे बैटर को इसमें ऐड कर देंगे, और इस तरह से हम केक टिन को थोड़ा सा टैप टैप करते हुए इसे सेट कर देंगे। और अब हम इसे रख देते हैं माइक्रोवेव में बेक करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने माइक्रोवेव को 5 मिनट के लिए प्री हीट कर दिया था, और इसे हम इसमें रख देंगे। और यहाँ पे हम कन्वेक्शन मोड में जाके 170 डिग्री पे इसे हम आधे घंटे के लिए स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पे हमने ले लिया है डार्क कंपाउंड का चॉकलेट, और इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। और इसमें हम 1/2 कप दूध ऐड करेंगे, और गैस का फ्लेम हमें मीडियम पे ही रखना है, और इसे हम मीडियम फ्लेम पर ही 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। तो ये हमने 2 से 3 मिनट इसे पका लिया है, ये हमारा चॉकलेट गनाश बन के रेडी है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे, ये ठंडा होने के बाद में और भी गाढ़ा होगा, इसीलिए हम इसे इसी कंसिस्टेंसी पर बंद कर देंगे। तो इसे हम रख देते हैं साइड में ठंडा होने के लिए। और अब हम क्रीम व्हिप कर लेंगे। तो उसके लिए हमने एक बड़ा बाउल लिया है, उसमें हमने आइस क्यूब ले लिया है, और ये हमने ले लिया है व्हिप टॉपिंग का क्रीम। इसे मैंने 1/2 घंटे से पहले फ्रीज़र में से निकाल दिया था। तो ये कम से कम 2 कप के करीब मैं क्रीम ले रही हूँ। इसमें ऑलरेडी शुगर होता है, अगर आपके क्रीम में शुगर नहीं है तो आप 2 चम्मच शुगर पाउडर इसमें ऐड कर दीजिए। और अब हम इसे व्हिप कर लेते हैं। तो इसे व्हिप करने में कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। तो ये हमने कम से कम 15 से 20 मिनट तक इसे व्हिप कर लिया है। ये देखिए हमारा क्रीम बनके रेडी है। और यहाँ पे मैंने थोड़े से क्रीम को अलग बाउल में निकाल लिया है, इसमें हम 2 से 3 ड्रॉप पिंक कलर ऐड करेंगे। तो इसे हम इस तरह से मिक्स कर देंगे, इसका हम फ्लावर बनाएंगे केक के ऊपर। तो यहाँ पे हमारा केक भी रेडी है, इसे हम डीमोल्ड कर लेते हैं। इसे निकालने के बाद में हम इसे इस तरह से टूथपिक से चेक कर लेंगे, अगर हमारा टूथपिक क्लीन निकल रहा है तो समझिए हमारा केक अच्छे से बनके रेडी है। और इसे हम इस पे रख के डीमोल्ड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी किनारी क्लीन करेंगे इस तरह से। और इसके बाद में हम इसे निकाल लेंगे, बहुत ही इजीली तरीके से इसे हम निकाल लेंगे। इसके बाद में हम इसे कट करेंगे। तो इसे मैं 3 लेयर में कट करूंगी। तो इस तरह से आप बड़ी छुरी या नाइफ हो उससे कट कर लीजिए, आप चाहे तो इसे धागे से भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे 3 लेयर्स में कट कर लिया है।
और इसके बाद में हम ले लेंगे शुगर सिरप। तो शुगर सिरप हमने 2 चम्मच शुगर पाउडर ऐड किया है और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हमने शुगर सिरप रेडी कर लिया है। इसके ऊपर से हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा चारों साइड से शुगर सिरप ऐड कर देंगे और अब इसके ऊपर से हम लगाएंगे क्रीम और इसे हम चारों तरफ से अच्छे से कवर कर देंगे। और इसके बाद में हम रख देंगे सेकेंड लेयर और इसके ऊपर से भी हम शुगर सिरप चारों तरफ से इसे लगा देंगे। फिर से ऊपर से जाएगा ये क्रीम। तो इस तरह से हमें क्रीम को फिर से चारों साइड कवर कर देना है और अब हम रखेंगे थर्ड लेयर। फिर से इसके ऊपर हम शुगर सिरप ऐड करेंगे और अब हम इसके ऊपर से फिर से क्रीम लगाएंगे। चारों साइड से इस तरह से हमें क्रीम को लगाना है। इसके बाद में हम साइड से भी इस तरह से इसे क्रीम से कवर कर देंगे अच्छे से। तो चारों साइड से इसे हमें अच्छे से क्रीम को लगा देना है और इसे हम इस तरह से फिनिशिंग दे देंगे। क्रीम हमें अच्छे से इस पे लगाना होता है। इस तरह से हम इसे फिनिशिंग दे देंगे। तो केक को हमने अच्छे से फिनिशिंग दे दिया है और अब हम ले लेंगे ये चॉकलेट गनाश। इसे हमने पॉलीथीन में इस तरह से भर लिया है। अब यहाँ पे हम छोटा सा कट लगाएंगे और इसके बाद में इस तरह से हम छोटे छोटे ड्रॉप इसमें ऐड करेंगे और बाकी के जो बचेंगे हम इसे इसमें ऊपर से पोर कर देंगे। और जो हमने बाकी के चॉकलेट गनाश रेडी किए थे इसके ऊपर से हम इस तरह से अच्छे से कवर कर देंगे चारों साइड से। इसके बाद में हमने जो कलर वाला क्रीम रेडी किया था उसे हमने पॉलीथीन में भर के रेडी कर लिया था और इस तरह से हम इसके ऊपर फ्लावर शेप दे देंगे। आप जो डिज़ाइन बनाना चाहे वो डिज़ाइन बना सकते हैं। तो हमने इस तरह से इसमें डिज़ाइन बना दिए हैं छोटे छोटे फ्लावर्स बना के। इसके ऊपर इसके नीचे हम इस तरह से छोटे छोटे ड्रॉप्स बना देंगे। तो हमने चारों साइड से छोटे छोटे ड्रॉप्स बना दिए हैं और यहाँ पे हम लगा देंगे बर्थडे का टैग। तो यहाँ पे हमने बर्थडे टैग लगा दिया है। तो इस तरह से हमारी केक बनके रेडी है। तो ये केक आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये हमारा बर्थडे केक बनके रेडी है। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय।